हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7.85 और 1.2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अपन को क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलो अपन अर्धपरिमाप बारा हैरो का सूत्र लगाते हैं। तो हैरो का सूत्र क्या होता है? तो हैरो का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कब? जब अपन को क्या दी हो? भुजाएं दी हो, तो अपन ऐसे सूत्र से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि अर्धपरिमाप क्या होगा इनका। तो अर्धपरिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, मतलब 7.8 प्लस 5 प्लस 11.2। इनको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, 7 5 12 और 1 13, 13 की 7, योग 8 और 2 10, 7 5 12 और 1 13 और 1 हाथ सिलाई का 14 और 1 और 1 2। अब इसको 2 से बटे करेंगे तब अर्धपरिमाप आएगा, अर्धपरिमाप। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये कितना बचेगा? ये 0.2, तो कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं अपन? क्षेत्रफल। तो हैरो का सूत्र होता है, हैरो के सूत्र से लगाते हैं। 12 12 माइनस 7.8 और 12 माइनस 5 और 12 माइनस 11.2। ठीक है, बराबर इसको करेंगे 12 अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4.2, यहाँ बचेगा 7 5 12, यहाँ बचेगा 0.8। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या बाहर आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो यहाँ 6 दूनी 12 और 6.7, 6 7 42, गुणित 7 गुणित 4 गुणित 0.2। ठीक है, मतलब पूरे बाहर आ जाएंगे, 6 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका वर्ग करेंगे और ये कट जाएगा, कट गया। चलो तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 6 42, 42 दूनी 7 6 42 गुणित 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33 और 0.3 कहाँ आएगा? 33 के बाद। सात छिंग 42, 4 4 मतलब यहाँ 2 बाहर आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 2 आएगा, 2 और 1 2 वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई केवल 2 दूनी 4 का होगा, तो कितना होगा? 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, मतलब 16.8 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।